इनकी वीडियो बनाए बनाए इस पुलिस वालों की वीडियो, मीडिया वाला बनाओ तो इनकी वीडियो। ये घर के अंदर दाखिल हुए और इधर ये घर के अंदर बगैर इनके पास कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है, ये घर के अंदर एंटर हुए, इनकी वीडियो बनाए, पूरे पाकिस्तान को दिखाए कि ये शेख रशीद और इमरान नियाज़ी क्या बदमाशी कर रहे हैं इधर। समर भाई कौन और इधर ये घर के अंदर बगैर इनके पास कोई फीमेल स्टाफ भी नहीं है, ये घर के अंदर एंटर हुए, इनकी वीडियो बनाए, पूरे पाकिस्तान को दिखाए कि ये शेख रशीद और इमरान नियाज़ी क्या बदमाशी कर रहे हैं। मैं आपसे बात करने के लिए बाकी जो दो दर्जन के करीब अपराध थे वो उनका पता नहीं चला, थोड़ा सा जो सीनियर हुकाम है वो यहाँ पर पहुँच कर रहे हैं। मुझे छोड़ दें, इनको इनकी वारंटी लेके उनको बताया गया है कि एक सेकंड सर जी 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 हमें ये बताया गया है कि यहाँ कुछ लोग हैं, असल में हम बैठे हुए थे अपने लॉज में मीटिंग कर रहे थे, यहाँ सादिक साहब के पास तो मालूम हुआ कि पुलिस सेंटर हो गई है अंदर और इन्होंने इस लॉज को घेरा हुआ है, लॉज नंबर 401 को। हमने इन्हें कहा तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों के वारंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद JUI की किसी तंजीम के साथ है, तो मैंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजेज में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते और अगर किसी के पास कोई वेपन है तो आपका हक है फिर भी चेक कर लें। तो बहरहाल वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है, बहरहाल ये इलीगल है और ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन के इस मामले में लोगों को ये हैरेस कर रहे हैं। हम अंदर हैरेस करने की कोशिश की जा रही है सर, तेरे अंदर बड़ी हवा है अच्छा, आप बैठ गए सारे खान का बच्चा मल कौन है नफरी खड़ी कर, तू कौन होता है नफरी खड़ी करने वाला सर? मीडिया के बाकी जो दीवारी के अंदर किस तरह एंटर हो सकते हैं? आपने हमें अंदर बंद किया, मेरे पाँव पे चोट लग गई है, ये लड़का आपका लगा हुआ है। अभी हमें बताया गया है कि शायद मामला किसी करवट पर ले चुका है।